हेलो गाइस, दिस इज टेक शुभम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली एक ऐसे सिंबल्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो कि एक अपने ऑपरेंड्स के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यानी कि सपोज मैं बात करूँ ए प्लस बी, तो यहाँ पर ऑपरेंड क्या होगा, ए और बी, और ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस। यानी कि ये कुछ फंक्शन डिफाइन कर रहा है ए और बी के ऊपर, कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर आर द सिंबल और द वर्ड्स विच परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशंस ऑन इट्स ऑपरेंड्स। इजी। अभी बेसिकली यूनरी भी हो सकता है, टाइम बाइनरी भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है। यहाँ पर अगर सपोज मैं ए और बी की बात करूँ तो यहाँ पर दो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, यानी कि ये बाइनरी हो गया। अगर मैं तीन कर देता, प्लस सी कर देता, यहाँ पर टर्नरी हो जाता। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कितने ऑपरेंड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली छह तरीके का होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड अदर ऑपरेटर्स। सो हम पांच को इन डेप्थ पढ़। सो यहाँ पर हम यूनरी प्लस की बात करें तो अगर मैं ये कमांड यहाँ पर डिफाइन करता हूँ तो इसका बेसिकली मतलब होता है ए का वैल्यू किस में हो रहा है, 25 से इंक्रीज हो रहा है, ए प्लस 25। इसका मतलब ये होता है, यानी कि मैं यूनरी यानी कि ए की वेरिएबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू प्लस 25। माइनस करना हो तो इंट ए इज इक्वल टू माइनस 25, क्योंकि यहाँ पर ए की ऑपरेंड है इसलिए यूनरी हो गया। अब यहाँ पर मैं सपोज एडिशन करना है मेरे को दो वेरिएबल्स का, तो इंट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, ये सब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। मुझे लगता है कि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मॉड्यूलो जो है ये क्या करता है, आपके रिमाइंडर को एज अ आउटपुट देता है। यानी कि सपोज मैं परफॉर्म करूँ 10 मॉड्यूलो 2, सो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना रिमाइंडर आता है, 0। वहीं मैं अगर 10 को मॉड्यूलो करूँ 3 से तो कितना आउटपुट आएगा, 1। यानी कि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 1, ठीक है। ये हो गए आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लूपिंग में भी काम आएगा, प्लस आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट यूज देन चेंज और दूसरा होता है फर्स्ट चेंज देन यूज, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ देता हूँ ए ए प्लस सॉरी प्लस ए प्लस प्लस ए, यानी कि फर्स्ट चेंज देन यूज, और अगर देता हूँ ए प्लस प्लस यानी कि फर्स्ट यूज देन चेंज। सपोज हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर अगर एन का वैल्यू इनिशियली 8 है और पी का वैल्यू 4 है, सो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। सो इनिशियली पी का वैल्यू कितना है, 4, तो ये पी के अंदर डिफाइन कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना है राइट साइड ऑपरेशन होगा और लेफ्ट साइड की वैल्यू पे उस का जो आउटपुट होगा वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू पी, पी का इनिशियल वैल्यू कितना है, 4, इंटू इंटू माइनस माइनस एन, यानी कि फर्स्ट चेंज देन यूज, यानी कि 8 था एन का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 7। आउटपुट कितना हो जाएगा, 28, पी का वैल्यू हो जाएगा 28। चलिए इसको करने की कोशिश करें आप। पी इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस माइनस, यानी कि फर्स्ट यूज देन चेंज, तो कितना रह जाएगा, 8 ही रह जाएगा। आउटपुट कितना आ जाएगा, 32। एज सिंपल एज दैट। चलिए ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y व्हेन इनिशियली वाई इज इक्वल टू 6। कितना हो गया, एक्स इक्वल टू फर्स्ट चेंज देन यूज, ठीक है। तो 6 था, वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस, क्योंकि अब वाई का वैल्यू 7 हो चुका है, सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 7, यानी कि 7 प्लस 14 बराबर 21। इजी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड टाइप का ऑपरेशन होता है रिलेशनल, जो कि आपके वेरिएबल्स के रिलेशन को डिफाइन करता है। सपोज 3 इज़ लेस देन 5, इट इज़ ट्रू, 3 इज़ मोर देन 5, इट इज़ फॉल्स। तो ये रिलेशन हम चेक कर रहे हैं किसी वेरिएबल्स के बीच में। सो रिलेशन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू एज पर द रिलेशन। लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, यानी इसका इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू का मतलब इफ 3 इक्वल्स टू 3, क्या ये ट्रू है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इसका वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। सो हम इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, यानी कि इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू कि इसके इक्वल नहीं है,
सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, थ्री इज मोर देन इक्वल्स टू थ्री, यस इट इज टू। थ्री इसका मतलब क्या हुआ, थ्री इज मोर और इक्वल्स टू थ्री, यानी कि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। सो थ्री इज इक्वल्स टू थ्री हेंस ट्रू, थ्री इज नॉट इक्वल्स टू थ्री यानी कि गलत है, थ्री थ्री के इक्वल होता है तो फॉल्स हो जाएगा। ए इक्वल्स इक्वल्स टू बी ट्रू अगर ए और बी का वैल्यू सेम होगा तो, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक ऐसी है, ए इज लेस देन बी एंड सी इज मोर देन बी, ठीक है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए जो है वो आपका बी से छोटा है और ये दोनों क्या है सी से छोटे हैं, तो ट्रू कब होगा जब ए सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये हो गया आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज पर द कंडीशन ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर एंड कंडीशन है तो जो एक्स और वाई दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे, इसमें एक्स और वाई में क्या होगा और के अंदर अगर एक्स ट्रू हुआ या वाई ट्रू हुआ या दोनों ट्रू है तो पूरी कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी, मतलब दोनों में से एक का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ है, कोई काम के नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली लूपिंग में इन दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। एंड और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा वैल्यू जो होगी वो रिटर्न होगी या ट्रू होगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम कोई वैल्यू को असाइन करते हैं इक्वल्स टू करके, सपोज इंट ए इक्वल्स टू फाइव, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम ए के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं फाइव, ठीक है। सो असाइनमेंट अगर हम करते ए इक्वल्स टू फाइव, वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ए इक्वल्स फाइव है या नहीं है, यहाँ पर हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ये डिफरेंस है असाइनमेंट में और रिलेशन में, ठीक है। सो यहाँ पर इंट एक्स इक्वल्स टू फाइव, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव। सो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूँ एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस, ठीक है, ये याद रखना है। सो ये कुछ ऑपरेटर्स हो गए जो कि आप एक बार ग्लैंस करेंगे तो बहुत है। एक्स माइनस इक्वल्स टू टेन का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टेन। एक्स मॉड्यूलो इक्वल्स टू वाई का मतलब हुआ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलो वाई, सिंपल है। सो ये बात हुई ऑपरेटर्स के बारे में, आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।